the Lord. Praise the Lord. मुझे गवाही देनी थी कि मैं जहाँ जॉब करती हूँ वहाँ हमारे यहाँ काफ़ी सारे लेबर हैं, तो एक भैया पोल में चढ़ के फिटिंग्स लगा रहे थे, वो पोल पूरी तरीके से हिल रहा था, पोल काफ़ी ऊपर में जैसे इलेक्ट्रिक का पोल होता है वो पोल के साथ ही नीचे कर गया, वो इस तरीके से गिरा कि उसके हार्ट की तरफ से और अंदर ही इंटरियर पूरा सा ब्लीडिंग होने लगा, उसके बाद उसकी स्प्लीन फट चुकी थी, यानी उसके बचने के चांसेस डॉक्टर ने जवाब दिए थे, शॉर्ट टैंक में था वो, अभी भी है, और उनको ये बोला गया था कि इनके बचने के चांसेस कुछ भी नहीं है, मतलब उनसे साइन वाइन सब करा चुके थे कि ये बिल्कुल नहीं बचेगा, लेकिन जैसे ही मुझे एकदम मुझे हड़बड़ी थी, हम लोग ही उन लोगों के पास थे और उनको बोला गया कि ये सब उनका निकालना पड़ेगा घर पर, कोई कुछ सोच नहीं रहा था क्या करें क्या नहीं करें, फिर मुझे एकदम से याद आया कि नहीं मैं तो प्रभु में बिलीव करती हूँ कोई करे ना करे, लेकिन मैं तो जो मेरे पास हथियार है मैं उसको यूज़ करूँ, तो मैंने तुरंत प्रॉफिट को मैसेज डाला कि प्रॉफिट कुछ इमरजेंसी है, किसी की ज़िंदगी का सवाल है, तो प्रॉफिट ने तुरंत फोन किए, उनका फोटोज़ वगैरह भेजा, उन्होंने मैंने उनसे पूछा कि प्रॉफिट ये बताइए ये बंदा बचेगा ही नहीं, क्योंकि वो बहुत गरीब परिस्थिति से था और अपने माँ बाप का एक ही लड़का था, वो 90 साल के उनके माँ बाप हैं, वो काफ़ी रो रहे थे, प्रॉफिट ने तुरंत बताया कि रिलैक्स करो वो लड़का बन जाएगा, मैं रिलैक्स हो गई, बाकी सब इतना टेंशन वाला माहौल था कि सब रोने रोने से लग गए थे, डॉक्टर भी जवाब दे दिए, लेकिन थोड़े दिन के बाद जैसे प्रॉफिट ने बताया कि ये बच गया करके कुछ नहीं होगा इसे, बस थोड़े दिन बाद खबर आई कि वो बंदा डेंजर जोन से बाहर हो गया। मैं इतनी खुश हो गई कि ये मेरी टेस्टिमनी है सबसे बेस्ट वाली, थैंक यू जीसस और थैंक यू प्रॉफिट का, उन्होंने तुरंत मतलब उस चीज़ के लिए मेरे मुझे इतना ये दिया कि वो बंदा उनके वजह से बच गया, शायद अगर उस दिन प्रेयर नहीं करके मैं भी भूल जाती तो बहुत रिस्की था मुझे, तो थैंक यू जीसस और थैंक यू प्रॉफिट।